केंद्र सरकार से तारीख तय होने के बाद 10 से 15 दिनों में राज्य में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बता दें कि वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के शहरी क्षेत्र में जिला महिला अस्पताल, हिंद अस्पताल सफेदाबाद और मेयो अस्पताल गदिया के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा, बड़ागांव और सत्रिक को चुना गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने मंगलवार को बाराबंकी में ड्राई रन की रिहर्सल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई वैज्ञानिक कोई वैक्सीन निर्मित करता है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार देश ने अपना खुद का वैक्सीन बनाया है जिसकी मान्यता पूरे विश्व में है। इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ना ही इसे लेकर कोई अफवाह फैलानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले चरण में हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, फिर तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर वाली जनता को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस संबंध में डेटा सरकार द्वारा जुटा लिया गया है। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को बाराबंकी में चल रही ड्राई रन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। यहां 6 अस्पतालों में आज ड्राई रन कराया गया। एक साथ लगभग 50 लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, ड्राई रन के दौरान उन्होंने इसकी बारीकी भी सीखी। टीकाकरण के बाद अगर किसी की हालत बिगड़ती है तो उसका कैसे उपचार किया जाना है, इसका भी रिहर्सल किया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.